में इस आयोजन का एक तीसरा दिन है, तीसरा दिन है, ठीक है ये बात। तीसरा दिन क्यों, आप दिन गएंगे तो 21 हो जाएंगे, मतलब 20 दिन, पर जब हमारे 7 दिन का एक दिन है तो एक क्रम एक दिन, तीसरे दिन। और जब विषय है वैदिक संस्कृति, अब अगर 2 दिन में पहले तो आई है और आज भी तो कोई आए और सोचे कि यहाँ तो वैदिक संस्कृति नाम का कुछ हो ही नहीं रहा, क्या बोला जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कुछ देखते हैं रत्न कर रहे हैं उसे विपरीत बोल जाते हैं। इस कार्यक्रम का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति पर व्याख्यान। तो एक तो वैदिक और संस्कृति दो शब्द हैं एक व्याख्यान। फिर आयोजक संस्था का नाम है विश्व गुरुदेव आश्रम एवं शोध संस्थान। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के और हम जो आने वाले लोग हैं उन सब के स्वरूप को देखते हुए ये कोई कथा तो है नहीं कि जो हम बड़े सामान्य रूप से कथा करते हैं, कथा भी हम कथा के रूप में कहें तो उससे बढ़कर श्रेष्ठ पद्धति कोई दूसरी है नहीं। पर जब एक चर्चा की दृष्टि से अपने बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक भूमिका के रूप में कुछ पृष्ठभूमि देने की आवश्यकता हो जाती है। अब हर पुस्तक को देखे प्राय भूमिका मिलेगी, अब इस भूमिका को अगर पढ़े लिखे लोगों ने भी कोई भूमिका न माने और फिर चल जाए तो हम सोचते कि हमारा पढ़ना कैसा है, क्या है, किस दृष्टि में कहाँ जा रहा है। तो इस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस वैदिक संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्यों, क्या इस ज्ञान से हमें कुछ मिल जाएगा। विश्व में सभी के लोग अपने लोग बिल्कुल, और जो भारत के लिए भी तो भारत के लिए ना नहीं है, पर क्या इससे भारत का उद्धार हो जाएगा, क्यों देना चाह रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो कुछ बताया गया है उसको अपनाएं, ग्रहण करें और मनुष्य अपना जीवन सुधारे, इससे ज़्यादा और अन्य कोई लक्ष्य नहीं। ये वो तरीका नहीं है कि आप अपनी भूमि का विस्तार कर लेंगे आपका राज्य महाराजा भारतवर्ष बहुत बड़ा हो जाएगा, ये उसके लिए नहीं। उसके लिए जो थे वो भी इस प्रकार के काम नहीं करने वाले थे, अश्वमेध ये बड़ा पवित्र यज्ञ माना जाता था और पवित्र यज्ञ इस रूप में माना जाता था कि हम अपने इस देश की सीमा में रह करके भी संपूर्ण देश के लिए अपने इन आदर्शों को फैलाएं तो किस तरह फैलाएं। अश्वमेध इसीलिए, अश्वमेध इसीलिए होता था। और तो अब कहाँ तक होगा, तो उसके लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो स्वतंत्रता से घूमता था, उस घोड़े का रक्षक होता था। अगर किसी व्यक्ति को आपका ये अश्वमेध पसंद नहीं है तो आपके लिए खड़ा हो जाकर घोड़ा ले लेगा। तो जो अश्वमेध वाला है शक्तिशाली है वो अपने अश्वमेध के यज्ञ को वापस छोड़ा लेगा। इस प्रकार से धरती में जहाँ तक घूमेगा वहाँ ये हो गया कि हमने उनको अपने साथ जोड़ने का एक साधन लिया है, पर उन्हें दंड भी दिया है कि आखिर में हम अश्वमेध के नाम पर अगर घोड़े को घुमा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तो विरोध का मतलब युद्ध में 10-5-20-50 मरेंगे, ज्यादा ही मरेंगे, ज्यादा क्षति भी हुई, ये दंड भी साथ साथ होगा। और फिर ये लोग जब सारा लेकर के आते थे और सारी बातें करते थे तो ऐसे कुछ लेकर जाएंगे, ये मात्र ऐसे 500 ये चीज हमारे इस वैदिक पर्व में है। आज वही समय नहीं रहा, आप घोड़ा फिर क्योंकि आप कहाँ बड़ा, अपना रहसन नहीं, अपनी बात नहीं मानी जाएगी पूरी, हर एक प्रदेश का अपना अपना तरीका है। मैं ना छोटी छोटी बातों पर हम सोचे तो आज हम सब के पास में एक भाषा है शब्द हिंदी, जिसको हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, पर क्या हिंदी का राजभाषा के तरह प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा, और राष्ट्रभाषा के तरह प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। अपने पड़ोसी स्थान जिस मिलते तक ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, शासकीय महाविद्यालय, आगे महाराष्ट्र में ही बोलते हैं,
हम क्या बोलते हैं राजकीय महाविद्यालय, क्या शासकीय राजकीय में कोई अंतर नहीं है? अब क्या हम देश आज भी अंग्रेजों का देश एक ही था, आज भी एक है? तो जब वो ये लिखते हैं, वो सोचे ये लोग लिखते हैं, तो देखो भाई आपका क्या अभिप्राय, आपका क्या अभिप्राय? अगर मेरे से कोई पूछे शासकीय का अर्थ क्या, मैंने कहा शासन की पद्धति को सिखाने वाला महाविद्यालय, शासकों से संबंधित महाविद्यालय शासकीय में। पर अगर राजकीय महाविद्यालय कहते हैं तो राजकीय कोई पद्धति नहीं होती है। इसका मतलब राज्य में काम करने वाला, राज्य जिसका पालन पोषण करे वो विद्यालय। तो शासकीय विद्यालय जिस व्यापक अर्थ को देता है राजकीय विद्यालय नहीं देता, राजकीय विद्यालय तो शासकीय नहीं मिलता। तो पर क्या छोटी सी चीज में एकमत? ये एकमतता जब तक कहीं नहीं होगी तब समझिए कि हम अपने विचारों को एक बड़ी व्यापक दृष्टि से देखने का अभ्यास शुरू ही नहीं कर पाए। तो ये घूमने का छोटी सी कि आखिर में हम इनको क्यों वेद का नाम लेते हैं, क्यों वेद के लिए इतना कहना चाहते हैं, और वेद को हम अपना प्राण क्यों मानते हैं, वेद के लिए सब कुछ करने को क्यों तैयार हैं, इस स्थिति को हम पैदा करें तो वहाँ वेद की दृष्टि से सोचिए हम कि आखिर वेद क्या है। शिक्षा में वेद के विषय में चार पंक्तियां लिख दी जाती है किताबों में, और मुझे आश्चर्यजनक यह लगता है कि फिर उसके भी छोटे से काम और वो बना लिया जाए। और तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बिंदु तैयार कर, वो आपने जो दो पृष्ठ वेद के लिए लिखे थे प्रतियोगिता परीक्षा के खास खास बिंदुओं के नाम पर खत्म हो गए। क्या ऐसे ही हम वेद की विचारधारा करना चाहें? या वस्तु से वेद में अगर कोई शक्ति है और विश्व को दें तो उस दृष्टि से विचार कहीं होता है? ये तो अच्छा है कि इनके मन में ये बातचीत उठी और उन्होंने विचार कर लिया। मैं सोचता हूँ चलो अवसर मिला हम लोगों को आपस में मिलजुल कर बैठ कर बातचीत करने का, आगे बढ़ने का। तो वेद क्या है, इसको सबसे अधिक अधिकार पूर्वक बताने की क्षमता जिसमें है वो एक ही व्यक्ति, वो मन। कौन है? मनु। अपने यहाँ 14 मनु हैं, उनमें एक मनु है सबसे पहले, उनका नाम है स्वायंभुव मनु। वो स्वायंभु मनु है। स्वायंभु मनु वेद के विषय में जो कहते हैं वो हमें ग्रही मनु चाहिए। और हम मनुस्मृति को या इस प्रकार की जितनी भी स्मृतियाँ हैं उन सबको हम धर्मशास्त्र नाम से पुकारते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ का पहला धर्मशास्त्री ग्रंथ है तो मनु। और जब अब आज अगर ये बात कहें कि शिक्षा में इसका पहला स्थान होना चाहिए तो सत्यानाश हुआ, क्योंकि अपना तो देश धर्म निरपेक्ष है। क्या है? धर्म निरपेक्ष। धर्म की चर्चा कर नहीं पा, धर्म की चर्चा कर नहीं पा, निरपेक्ष का और धर्म से निरपेक्ष कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर चूंकि जैसे धर्म अपने समझ रखा है वो धर्म है, उस धर्म को हम सापेक्ष करें या निरपेक्ष कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम किसी भी संप्रदाय में आज उसमें आगे कल उसमें गए परसों उसमें गए, हमारा व्यक्तित्व भी एक रहे थे और मरा है क्या, जो सामने लोगों सामने जिंदा है। पर हम अगर विचार करें आखिर में कि उस संप्रदाय में क्या कमी थी या क्या नहीं था या क्या गलत था, आपको संप्रदाय बदलना पड़ा और इसको बदल कर आपने क्या प्राप्त कर लिया, जब तक ये विचार नहीं था फिर संप्रदाय की। तो इसका मतलब धर्म के नाम पर तो हम लोगों ने कुछ एक विचित्र प्रकार का ऐसा मामला बना लिया कि अगर आज उसको बिल्कुल छोड़ दे तो भी पर जीना कैसा होगा इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। आज बढ़िया हम किसी भी देखो न माने, किसी भी पक्ष को न माने, क्या मर जाएंगे? पर मनु एक बड़ी जबरदस्त परिभाषा धर्म की दी है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति अक्षि पक्ष तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वजी। धर्म ही हमें रक्षित करता है और धर्म ही हमें नष्ट करता है। तो चूंकि रक्षित धर्म हमारी रक्षा करे हम आगे बढ़े, इसलिए धर्म नष्ट के और धर्म हमें नष्ट न करते, इसलिए हमें धर्म की रक्षा ही करनी चाहिए, नष्ट करने का काम नहीं करना चाहिए। वहां धर्म की परिभाषा है। अब इस परिभाषा को हम अपने आज की जो प्रक्रिया अपने साथ में हमने अपना रखी है जोड़ें तो क्या उचित होगा? इसको ही हम जब अनदेखा कर जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमें सारी शिक्षा का और इसका परिणाम क्या निकलेगा?
अनदेखा करने का, इसको तिरस्कृत करने का सीधा सा अपने यहाँ उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में विशेष करके जो इतिहास मीटर जहाँ आता है वहाँ बताया गया कि हमारे इसके आगम के स्रोत का क्या है। तो आगम के स्रोत वहाँ गिने जाते हैं, वेद, चलिए समझ में आ गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, चलो समझ में आ गया। आगे आगे आते हैं हम, तो ये सूत्र ग्रंथ, क्या नाम है, सूत्र ग्रंथ। अब सूत्र ग्रंथ क्या है, चलिए छोड़ आगे, पर सूत्र ग्रंथ के नीचे, सूत्र ग्रंथ के नीचे आपके एक महाकाव्य, कौन कौन से महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और उसके नीचे आते हैं तो पुराण, क्या पुराण। अब मैं छोटी सी बात पूछूं कि क्या ये पुराण यहाँ आने योग्य है, या वेद के बाद सबसे पहले रखने योग्य यही है। मैं आज आप लोग सामने बैठे हैं इसलिए थोड़ा विस्तार के साथ इसी बात कर देता हूँ, आगे जब आएंगे लोग तो उसके हिसाब से उसको और आगे बढ़ाएंगे। कि एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मनुस्मृति से, क्या है उदाहरण, अलग अलग क्रियाकलापों को मनुस्मृति में धर्म के नाम पर जो समझाया गया है, तो उसमें उन्होंने एक पितृ धर्म के, तो उसको अपने श्राद्ध बोलते हैं, तो पितृव्य कर्म में क्या क्या करना चाहिए ये मनु आदेश देते हैं। तो क्या कहते हैं, स्वाध्याय, देखिए पहला ही नाम मनु देते हैं स्वाध्याय। और तो पितृकर्म में स्वाध्याय हो, लेकिन कुछ और आगे बढ़े हो तो क्या, नाना प्रकार के धर्मों का अध्ययन, मनुस्मृतियों का अध्ययन, और क्या हो, तो फिर वो कहते हैं आख्यान, उपाख्यान, इतिहास, ये पितृकर्म करो। अरे भैया आदमी, पितृकर्म आप जिस पूजों की बात कर रहे हो उसमें ये आख्यान इतिहास क्या करेगा, मनु क्यों कह रहे सर, अगर हम इस पर सोचें तो पता चलेगा। अब ये तो भाई दूसरे ढंग से, चलिए इसको सोचने की बात दूर कर दीजिए, आप इसका अर्थ जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं क्या, कि पुराणानी खिलाने चाहे, वहाँ बहुचन आया पुराण और खिल, इनका भी स्वाध्याय श्रावेज पित्ते धर्मशास्त्राणी चाहे भी आख्यान इतिहासांश चाहे पुराणानी खिलाने चाहे, स्वाध्याय में हमारी ये सब चीज़ें वहाँ बतानी चाहिए, ये कर रहे हैं आप, पुराणानी ये मनु गलत कर रहे हैं, हम सार्थ गलत कर रहे हैं। हम मानते हैं सारे पुराण भगवान व्यास ने दिए, और व्यास में मनु में बहुत रूपांतर है, मनु ये पहले मनु, व्यास सातवें मनु के वक्त में पैदा हुए, और सातवां मनु का भी 28वां द्वापर, एक मनु में 71 महायुग होते हैं, कितने 71, उस 71 महायुग में आप देखिए एक महायुग होता है 43,20,000 वर्षों का, तो एक मनु की व्यवस्था कितनी लंबी चौड़ी रही होगी, उस मनु की व्यवस्था में अगर तो उस व्यवस्था में अगर इस प्रकार का कर दें कि कहाँ भगवान मनु जो पहले लिखते थे, और कहाँ भगवान व्यास जो ऐसे 6 मनुओं के पूरी तरह गुजर जाने पर, और सातवें मनु जो भी वैवस चल रहा है इसके भी 28वें द्वापर में, और सारे पुराण व्यास की रचना ये हमारे समाज में खूब अच्छी तरह प्रचलित है। तब आप मुझे बताइए कि इस श्लोक हम क्या करेंगे जो मनु स्मृति में, पुराणानि, पुराण शब्द का बहुवचन, पुराणम पुराणे पुराणानि, एक पुराण, दो पुराण और अनेक पुराण, तो पुराणानि क्या है। हमारे इतिहासकार कहते हैं रामायण महाभारत बहुत अच्छी है, पर इसमें इतिहास के तत्व नहीं है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों के लायक नहीं है। और ये महाराज मनु बोल रहे हैं आख्यानान इतिहासांश्च, आख्यान और इतिहास, आप कह रहे हैं ये इतिहास रामायण महाभारत खराब, तो मनु कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं,
और तो मनु के काल में इतिहास थे क्या? और तो इसकी व्याख्या का क्या करेंगे भाई? मनु का एक श्लोक है, इसका अर्थ हम नहीं कर सकते हैं जब तक व्यापक अध्ययन नहीं होगा। और व्यापक अध्ययन में भी जो कुछ आज हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, एक क्षण सोचकर। केवल मैं इतना सही चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी पढ़ें, उसको एक बार ठहर करके उस पर चिंतन करें कि यहाँ किसी प्रकार की विशिष्ट कोई बात कही गई है, अथवा किसी बात को गड़बड़ तो नहीं कर दिया गया, या हमारे इसमें समझने में अंतर तो नहीं आते, ये हम दृष्टि भूल गए उसका परिणाम है। अन्यथा ये सीख पैदा नहीं होती कि अब पुराना नहीं खिलानी चाहिए। तो अब इसको आर्य समाज की दृष्टि से हमारे क्या, ये तो बिल्कुल नहीं गलत। पुराण तो उस वक्त हुई नहीं, और पुराण कोई अच्छी चीज है क्या? तो इसका मतलब मनु का श्लोक गंदा है, प्रक्षिप्त है, किसी ने गड़बड़ तरीके से इसको रख दिया, हमारा सीधा तरीका ही हो जाएगा। मनु है पहला व्यक्ति है, और अगर अपन और ईमानदार से बात करना चाहें तो क्या विशेषता है? वेदों के बाद में अगर किसी ग्रंथ का स्थान है तो एकमात्र मनु है। पहला ग्रंथ है विश्व का वेदों के पश्चात, जिसमें कोई बीच में ग्रंथ ही नहीं हुई, और इस मनु की कथन को एकदम से हम इतना कहने नहीं दिखा रहे। चलिए एक दूसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, बड़ा प्रसिद्ध है, और हमारे अच्छे अच्छे विद्वान बड़ी आराम से सुबह ये गलत है मनु का चिंतन ठीक नहीं किया। भैया श्लोक इतना सही है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मर्ति। हम इसका सीधा सा रखते हैं, बचपन में पिता रक्षा करते हैं, जवानी में पति रक्षा करते हैं, और बुढ़ापे में बेटी रक्षा करते हैं। ये तीन जिसकी रक्षा के लिए पूरा जीवन लगा देने के तैयार कर दिए गए, अब स्त्री को किसी रक्षा तंत्र की आवश्यकता होने से इसको तो हमने ध्यान दिया नहीं, और चौथा जो हमने कह लिया न स्त्री स्वातंत्र में, स्त्री को स्वतंत्रता है नहीं। अब इसका उल्टा तो क्या है, बचपन में बाप तेरे ऊपर सवार था, जवान में पति हो गया, बुढ़ापे में बेटी हो गए, तू स्वतंत्र कहाँ है? और मनु जैसे व्यक्ति स्त्री को इस प्रकार पराधीन बता के चला गया, कितना बड़ा भारी पाप है। अब ये समस्या दोष से क्या है? समझ गए दोष समझ। तो वहां फिर न स्त्री स्वातंत्र मारे कर क्या अर्थ करेंगे? स्त्री स्वातंत्र न अर्ति, व्याकरण आपकी क्या गई है? व्याकरण और स्वातंत्र क्या है? स्वतंत्र से भाव स्वातंत्र, स्वतंत्र क्या है? अपना शासन, अपना अपना तंत्र, तंत्र को व्यवस्था में ले लीजिए, स्वव्यवस्था क्या? तो स्वतंत्र से भाव स्वातंत्र न रक्षित अर्ति आवश्यक, कि मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, लड़की के लिए, महिला के लिए, स्त्री के लिए, यह आवश्यक ही नहीं है, या स्त्री को स्वतंत्र नहीं किया जाए यह कौन देखेगा? जब तक हम इस प्रकार की विवेचन नहीं करेंगे न स्त्री स्वातंत्र मिल रही। अब आपको स्त्रियों की स्वतंत्रता का एक बड़ा भारी नमूना दे रहा हूं मैं। द्रौपदी का जो स्वयंवर है, प्रयाग प्रयास सभी लोग उससे परिचित है, अर्जुन को वो सफलता मिल जाती है उसमें, और अर्जुन के अलावा और भी नहीं वहां पर लोग आए थे, कर्ण भी उस पर खड़ा हुआ। तो कर्ण क्या कहता है, तैयार हुआ तो उसका हाव भाव देखकर द्रौपदी को लगा ये बाजी मार लेगा, पता नहीं कि उस कर्ण से द्वेष रहा होगा नहीं रहा होगा, मैं इसका वर्णन नहीं करूंगी, घोषणा कर दी। अब उस वक्त सबसे पहले दुष्यंत से बात होना चाहिए था त्रिपद की, मैंने दुनिया भर को बुला लिया यहां पर तेज स्वयंवर के लिए, और स्वयंवर की शर्त है जो भेज देगा उसे भी कहना होगा, तो तू मुझे झूठा कर रही, तू नालायक हो रही। पर देखिए सारा समाज चुप रहा, एक भी व्यक्ति नहीं बोला, कर्ण भी नहीं बोला, क्यों? कि
अगर लड़की को अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण करने का अधिकार नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, करेंगे तो अत्याचार होगा। इससे बढ़कर और क्या स्वतंत्रता का एक स्वयंवर का मतलब कितना बड़ा आयोजन, संपूर्ण राजा महाराजाओं को निमंत्रित करना, आपस में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इन सबको भी संभालने की मेरे में सामर्थ्य है तो मैं सबको बुलाऊंगा, नहीं तो बुलाना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे उदाहरण, महाभारत का एक प्रश्न है ना कि इनका भगवान भीष्म का है क्या है कि भीष्म के भाई से विचित्र वीर और चेतन, तो विचित्र वीर जो है वो अकेला बचा, विचित्र वीर के लिए कहीं प्रस्ताव नहीं आए, क्यों नहीं आ यूं कहो कि जागे नहीं पाएगा। तो स्वयंवर होता है उनका कि जो इस प्रकार के किसी व्यक्ति को योग्य ही नहीं समझता हो कि जिसके सामने अपनी लड़की के लिए बातचीत करूं या जो मेरे को मांगना है। आज हम पूरे व्यवहार कर रहे हैं कि लड़की को लेकर के रोते फिरते हैं इधर, भारतीय वैदिक संस्कृति के 100% विरोध में, अरे स्त्री को हम आगे होकर ढूंढे क्यों, आवश्यक तो उसके आगे नहीं है, वंश कौन चलाएगा, तो आपकी जो वंशधर है, वंश के मूल है, उसको आप उसके पिता को कष्ट भोगना पड़े, यह है वो है। और आज का तो इतना बुरा युग हो गया कि जिसे अपन रिश्वत नाम देते ना वैसे ही धंधा हो गया, इतना मिलेगा दोपहिया गाड़ी, चौपहिया गाड़ी, मकान और भी जाओ तब जाकर। और ये हम विश्वास कर सकते हैं क्या कि वो जीवन बहुत अच्छे ढंग से और गुजार देंगे। इन सारी बातों में ध्यान रखते हैं तो द्रौपदी का एक ही वाक्य कि मैं नहीं बढ़ूंगी, और पूरे देश देशांतर से आए हुए सारे शांत होकर बैठ जाते हैं, कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये स्त्री के सबसे बड़ी आदर की बात थी उस जमाने में। पर हम लोग उस युग में गुजरने के लिए उस साहित्य को देखते नहीं और हो जाता। तीसरा एक उदाहरण बताओ और लीजिए, न्याय ये स्पष्ट है, घर घर में सावित्री की पूजा होती है सत्यवान के साथ, वो सावित्री के पिता अश्वपति को क्यों ये कराना पड़ा स्वयंवर, कितना स्पष्ट महाभारत का कह रहे हैं कि वह लड़की अपने रोज के जो कार्यक्रम है प्रातःकाल के उन सबको पूरा करके आकर पिता को प्रणाम करती है, इसका मतलब संध्या वंदन हमन वगैरह वेद पाठ वगैरह सब कुछ पांच महायज्ञों में आपके देव यज्ञ पितृ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ आई गए, ये करने के बाद वो पिता के पास प्रणाम करती है। तो पिता तो अपनी बेटी को रोज ही देखता है, पर एक योग की बात उसने देख कर कष्ट आ जाती, अब तो जिस लायक हो गई आज तक किसी ने तेरा प्रस्ताव नहीं भेजा, देखो क्या है किसी ने तेरा प्रस्ताव नहीं भेजा, और वो खुद ही कहता है मैं जानता हूं क्यों आप न्याय के देख रहे, मेरे ख्याल में कोई युवक अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं सावित्री का पति बन सकूं, तो ऐसी स्थिति में मैं स्वयंवर भी करूं तो क्या करूं, मैं तुझे छूट देता हूं कि तू जा और उसको ले जा। सावित्री अपने सेवकों को लेकर निकल जाती है, आते 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 और उसको कहीं जंगल में वन में आश्रम में सत्यवान और उसका परिवार दिखाई दिया, बातचीत हुई, उसने सत्यवान को अपना पति मान लिया कि पिता जो कहना है। अच्छा सत्यवान किस स्थिति में था कि उसके पिता राज्य भ्रष्ट, माता पिता दोनों अंधे, अब वो वन्य जीवन जिस प्रकार का जीना चाहिए नहीं जीना चाहिए बातें अलग है, पर उसमें वो रह रहा है। ऐसी स्थिति में वो जब आकर बोलती पिता से कि पिताजी मैंने सत्यवान का वर्णन कर लिया, सत्यवान हाँ अच्छी है, तो नारद जी वहाँ बीच में आ जाते कहते सावित्री तू सत्यवान भूल गया, किसी और को देख, तो वो सत्यवती एवं सावित्री जो उनको उत्तर देती है नारद जी को कि नहीं एक बार मैंने वर्णन कर लिया अब मैं दूसरे से किसी से युवा नहीं करूँगी। आप देखिए जिसने इतने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया
और पिता ने ये नहीं पूछा कि वो दरिद्र है, कैसी स्थिति में है, क्या है क्या नहीं है, और तूने पगली मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में लगा दी, जो सो तूने मान लिया, कोई तैयार। तो नारायण ने पूछा, मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि संसार में इस सत्यवान से बढ़कर दूसरा व्यक्ति तेरे योग्य है ही नहीं, पर सबसे बड़ा जो अयोग्यता का है वो एक वर्ष का जीवन, क्योंकि एक वर्ष का जीवन है ना क्या, तो बस ठीक है मैं तो करूँ किसी। आप सोचिए स्त्री का वो उज्ज्वल और भव्य चरित्र, एक वर्ष मालूम उसे कि मेरे पति नहीं रहेगा, मालूम उसके पिता को, न पिता रोकता है बल्कि पिता उसको लेकर के अपने वैभव के साथ जंगल में वहां जाकर के विवाह करके लौट के आता है, तो वो विवाह के वस्त्र पिताजी को बाद में दे देगी, पिताजी अपने जिस दिन में यह प्यार ले जाएगी। और एक महलों के अंदर बनने वाली लड़की और जब विवाह हो जाता है तो पति जिस अवस्था में रह रहा है उसमें रहती है, और अब रहती तो क्या उसने विवाह के पहले एक जबरदस्त संकल्प मन में ले जाता कि मैं इसको नहीं मरने दूंगी। और उसके वो 360 दिन जो निकलते हैं प्रतिदिन ऐसा ही निकलता है, और अंत तो कहता वो अंतिम दिन आने पर वो अपने ये चीज आगे के लिए घर गृहस्थी के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाता है, तो कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उसने कहा ठीक है, इनसे अनुमति हो, तो माता पिता के पास गया, तो माता पिता क्या कहते, तुमने आज तक साल भर में कुछ मांगा नहीं है और ये मांगा, जा चलिए। और किस प्रकार हम देखते हैं कि यम के साथ उसका जबरदस्त विवाद होता है, और अंत तो उसके बातों के चक्कर में यम फंस जाते हैं, क्या वो ये बड़ा तो क्या वर मांगती है कि मेरे जो माता पिता हैं उनको आंखें मिल जाए। पहला काम देखो राज्य चाहिए था, पर राज्य में होगा आंखें मार लिया क्या कहने देते, पर नहीं। फिर दूसरा कि इनका खोया हुआ राज्य ने प्राप्त हो जाए, तीसरा कि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ, मुझे भाई चाहिए, चौथा कि मुझे भी पुत्र चाहिए। तो यम हाँ हाँ करते गए, चौथे में जब गाकर के तब तो छोड़ दो इसको, क्यों आपने मुझे कह दिया पुत्रवृत्ति, पुत्रवृत्ति किसे होंगे, किससे किसी और से, तो यम को विवश होकर छोड़ना पड़ा। अब इस कथा को हम इतिहास में नहीं लिख सकते, क्यों कि माइथोलॉजी, क्या है ये माइथोलॉजी, और रामायण महाभारत में माइथोलॉजी भरी है, तो क्या वो पढ़ाई में आते हैं, और इन रामायण महाभारत से ज्यादा माइथोलॉजी पुराणों में है, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को जब माइथोलॉजी माइथोलॉजी कह दिया गया है, और तो बताइए हमारे पास में रहा क्या जो हम माने, जब हमारा आधार ही यहां से प्रारंभ होता है तो हम कैसे आशा करेंगे कि घर घर में। तो ये सब चीजें देने वाले सारी बातें बताने वाले जिसके आधार पर आगे वाले लोग चल रहे हैं मनु है, पहले थे उस मनुस्मृति को तो हमने आज एक विशेष नाम से तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, वेदवादी है मनुवादी, मनुवादी, तो हम मनुवादी नहीं रहने क्या पशुवादी बने। और आप नहीं देखते दुनिया भर में मनुष्य के लिए नाम इस मनु के देह में, मनु की संतान मानव, जैसे दनु की संतान रघु की संतान, यदु की संतान यादव, तो फिर मनु की संतान हम अपने आप को कहें और उसको हम माइथोलॉजी दे रहे हैं। अपने परीक्षा की क्या कि इसमें क्या माइथोलॉजी है, ये जो कुछ कहा जा रहा हो रहा है नहीं हो रहा, कभी सोचा भी, इस आगे मनुष्य नाम लीजिए। अब व्याकरण कह रही मनुर जाता व्यय तो तुम मनुष्य, ये भी मनु से ही बना है, अब आपका मैं शब्द क्या है, इसका मतलब कहीं कहीं मनु का प्रभाव भारत के बाहर विश्व में था, और भारत के बाहर मनु का यह प्रभाव विश्व में क्यों था, क्योंकि वेद कहते हैं कृणवंतो विश्वमार्यम, आर्य श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठता की परिभाषा क्या, श्रेष्ठता कैसे मिलेगी, तो इसके क्या नाम, ये जो अमरकोश है संस्कृत प्रसिद्ध कोश, वो पर्यावाची शब्द पड़ता है, क्या कुलीन दूसरा शब्द है, आर्य तीसरा, सज्ञ सज्जन और साधु,
इतने पर्यायवाची शब्द है, इसमें कहीं भी धर्म का नाम नहीं है। धर्म का नाम है कि राम को मानने वाला ही, कृष्ण को मानने वाला ही, देवी को मानने वाला ही, विष्णु को मानने वाला, फलाना मान, कहीं नहीं। पहला है, क्या है पहला नाम? महाकुल। महाकुल, कुल के ने महत्ता क्या है? पैसा हो महाकुल बनेगा, तो क्या पहलवानी हो तो महाकुल बना नहीं? मनुष्यों की संख्या ज्यादा उस कुल में तो ज्यादा नहीं, तो फिर क्या? वो व्यक्ति जो मनुष्य के धर्म को अच्छी तरह से पहचान गया है और उसके आधार पर चलने वाला पूरा का पूरा जो कुल है वो एक उसी इकाई में चल रहा हो, उसका नाम है महाकुल। ये महाकुल, और अगर आपको महाकुल समझने में बाधा हो तो दूसरा नाम रख दिया हम लोगों ने कुलीन, अच्छे कुल वाला। तो और इससे भी आपको लगे कि कुल अच्छा क्या होगा, कि भाई सभ्य, सभ्य का अर्थ क्या होता है? सभायाम साधु। आज के विधानसभा लोकसभा जीवते पड़ते हैं, अध्यक्ष को फेंक देते हैं। सभ्य सभाम अर्हति इति सभ्य, अर्हति जिसको सभा की आवश्यकता है वो सभ्य। तो और फिर अगर आप सभ्य को भी नहीं समझे तो और स्पष्ट क्या है? सत्य जन, अच्छा जन। अगर इसे जाने से साधु शब्द हो रहा, साधु शब्द कह देंगे कि हम क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को साधु होना चाहिए। क्यों? साधनोति स्वकीयम धर्मम लोकम परलोकम च इति साधु, वो साधु होता है। तो उस आर्य शब्द को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, और इतिहास सिखा रहा कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से। तो अब आप बताइए कि आपका जो वेद है वो उन आर्यों का वेद है या इसी देश के जो मूल रहने वाले थे उनका वेद है? तो इसी वेद के वो थे। अब आपके सामने क्या प्रमाण, कौन है कि जो बता सकता है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला व्यक्ति यहीं का है, यानी मनुस्मृति। मनुस्मृति, इस मनुस्मृति को देखना चाहिए। इसके प्रारंभ में ही इन्होंने बहुत अच्छी बात की, लंबी छोड़ नहीं पाऊंगा, पर मनुस्मृति में ये बताया गया है इस पृथ्वी पर देश किस रूप में बसे। सबसे पहला स्थान है यहां पर ब्रह्मावर्त। क्या नाम है? ब्रह्मावर्त, ब्रह्म का आवर्त, और उसका उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से परिचय दिया है सरस्वती और वृषद्वती, ये दोनों देव ने दिया। इनके बीच का जो भूस्थल है उसका नाम है ब्रह्मावर्त। अब ये सरस्वती और दृश्यवती ये भारत में है या भारत के बाहर है? भारत के बाहर। तो सरस्वती दृश्यवती देव नद्योर यदंत तम देवनिर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम। ब्रह्म आपको केवल इस दृष्टि से बातें बता रहा हूं कि सोचने का एक तरीका होने, यहाँ दो बार ये देव शब्द आ गया, देव नदी और दूसरा देव निर्मितम देशम, देव के द्वारा बनाया हुआ देश। हमारे ये देव देव के मामले में दयानंद जी को अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उससे ऐसा निकलता है कि जैसे वेद बहुदेववादी है, राजन बोलते हैं स्पर्श खुल गए, इतिहास नहीं सिखाया जाता, बहुदेववादी है, और वो ही देवता हमारा काम कर गए, ये बकवास। इसलिए उनके नहीं, अब उनको शिष्य जगह कुछ देर पहले बता दी मनुस्मृति के ऊपर बहुत अच्छी लंबी चौड़ी व्याख्यान करते हुए करीब 1000 की पुस्तक लिख दी है, उसमें यही पता मनुष्य श्लोक खड़ा, मनुष्य श्लोक खड़ा, मनुष्य श्लोक है, इसलिए निकलने का। तो वहाँ देव नदी का अर्थ वो करते हैं देव नदी, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ वेद के ग्रंथ देव शब्द को विद्वान अर्थ में भी लेते हैं, देव माने विद्वान। तो कहते ब्रह्मा विद्वानों जिस ने तैयार किया, आप विष्णु को ऐसे विद्वान बना सकते हैं, नदी पर चलती नदी को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं या नदी को जन्म दे सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते। और इधर कह रहा है इस ब्रह्मावर्त के लिए देव निर्मित देश, और विद्वानों ने उसको तैयार किया।
तो हमारे इतिहास की दृष्टि से प्यारी चीज है। हम ही लोगों ने एक नदी के स्थल को चुना, हमने उसको अच्छे स्थान के रूप में तैयार किया, देव निर्मित यह आर्य समाज की दृष्टि से ही अर्थ हुआ। तो ये क्यों हम क्योंकि हम कुछ बिंदु पकड़ बैठे, हम एकमात्र ईश्वर के अलावा किसी को पूज्य नहीं मानते हैं। यहाँ देव शब्द हो गए, इसलिए ईश्वर की पूज्यता में एक प्रश्न चिन्ह लग गया, इसलिए देव शब्द का अर्थ और सब छोड़ करके आप केवल विद्वान ही कीजिए। ये जो हमारी संकीर्ण दृष्टि है कहीं भी हो, संकीर्ण से एक दूसरा धारणा आपको और दे रहा हूं, हमारे ब्रह्म का विवेचन करने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है यहाँ का ब्रह्म सूत्र। क्या है ब्रह्म सूत्र? उस ब्रह्म सूत्र पर बहुत पुरानी कई व्याख्याएं की, पर आज के युग में जो सबसे प्राचीन व्याख्या मिल रही है वो भगवान आद्य शंकराचार्य की शंकर भाष्य। क्या है शंकर भाष्य? शंकर भाष्य में इन्होंने एक ही काम किया और वो सबसे बड़ा काम ये है कि वेद की जो घोषणा है पुरुष एव इदम सर्वम, ये जो ब्रह्म है यही सब कुछ है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक अद्वैत की स्थापना करने का सबसे श्रेष्ठ काम आचार्य शंकर का है। अब देखिए आप वेद को साथ रखकर पढ़ें और शंकर भाष्य को साथ रखकर पढ़ें तो वेद से विरुद्ध में एक भी बात नहीं मिलेगी। पर हमारा काम क्या है, ये कैसे सिद्ध कर सकता है, यह हमारा संप्रदाय तो नहीं स्वीकार करेगा। तो हम क्या करेंगे कि द्वैतवाद नहीं है, फिर द्वैतवाद की कई व्याख्या हो, तो शुद्ध को किसी को शुद्धा शुद्ध इस तरह करके हम बढ़ते चल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, केवल हमारा दर्प, क्या हमारा दर्प बोल रहा है। अरे वेद को देखिए आप, पुरुष सूक्त घर घर में प्रसिद्ध है और वहां एक बार नहीं कई बार उन्होंने बात कही है, पुरुष एव इदम सर्वम, कौन सा सर्वम, यद भूतम यच्च भव्यम, जो आज तक हो चुका है और जो होने वाला है। वर्तमान में तो हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, जो आज तक हो गया और जो होने वाला है वो सब कुछ एकमात्र पुरुष का रूप है, अर्थात परमात्मा का रूप है, ब्रह्म का रूप है। अब जब इतना कह दिया तो मुझे बताइए कि किससे आप वेद को छीनेंगे, अर्थात वेद की दृष्टि से तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो वेद का पात्र नहीं है। एक अधिकार शब्द एक अलग है, अधिकार का अर्थ आप जानते हैं क्या है, वास्तविक भगवती नहीं, पाणिनि के अष्टाध्यायी में अधिकार सूत्र चलते हैं, चलते हैं ना, क्या अर्थ है उसका, उत्तर उत्तर का मन में आ रहा है, कहां से, जहां से मैं बोल रहा हूँ, कार के अधिकारी तो महापाप हो गया, सो तो आपने खत्म कर दिया, क्योंकि कौन से सूत्र में स्वरित है, स्वरित आपके बोलचाल में रही क्या, स्वरित एकमात्र वेद में दिखाई देगी, तो स्वरित ना अधिकार है। अच्छा लिखने का अब एक और बात देखिए, स्वरित आपके या तो बोलने से प्रकट होगा और लिपि में अगर होगा तो आपको इसको विशेष चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसका मतलब दो बातें सिद्ध होगी, लिपि है पाणिनि के सामने क्या, कि आप उनके सूत्रों को स्वर्ग चिन्ह से पहचानें। अब हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि आज हमारे सामने उदात्त अनुदात्त स्वर्ग आए तो भी पता नहीं चलता, और बोलने की दृष्टि से हम देखते हैं तो बिल्कुल ही हम गए भी थे। मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ लोक में, हम कुछ बहुत भयंकर गातियाँ, वेद की भाषा अलग संस्कृत भाषा अलग, ये भी पराकाष्ठा, संस्कृत और वेद की एक ही भाषा, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी और आर्य व्याकरण के ग्रंथ कहते हैं क्या कि क्या वेद के हो और क्या लोक के हो, शब्द एक है, ये वैदिका स्तव लौकिका स्तव तेषाम अर्था, जो शब्द वैदिक है वही शब्द लौकिक है और वही उनके अर्थ भी हैं। तो इसका मतलब वेद हमारे जीवन में था, केवल मंदिर में रखकर पूजा की वस्तु नहीं था, बिल्कुल पूजा की नहीं था वो, तो उसको हमने कितना विकृत किया या इस प्रकार के लोगों ने जाकर से जन्म लिया। तो वहाँ पर कोई देवता नहीं है जिसकी नदी हो और कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उस स्थान को बसाया हो ब्रह्मावर्त को, ये मनु की बात को हमने अपनी मर्जी से खूब अच्छी तरह से बदल दिया। इसी मनु की बात को आगे जाए तो देखिए कितना अनर्थ, थोड़ी सी गलती से
मैं कह रहा हूँ हमारे सबसे अब तक अच्छे जो महात्मा हुए हैं उनमें पूज्यतम है ऋषि के रूप में दयानंद, क्योंकि उन्होंने घर घर में वापस वेद लाने की प्रतिज्ञा करके उसके लिए अपने जीवन को खो दिया, पर हमने उन्हीं की उपस्थिति में उन्हीं के दिए कार्यों को और उनकी दृष्टि से न समझ करके अपनी दृष्टि समझ लिया तो दूसरा अर्थ हो गया। तो आप कहाँ से कहाँ चले गए, ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने। उस मनुस्मृति को जब दयानंद जी के अनुयायी लोग इन ऐसे शब्दों में अर्थ में बदलेंगे तो आर्य समाज की दृष्टि से गई है मनुस्मृति, और ये जो मनुवादी क्या करके निंदा करने वाले उसमें अपराध हमारी, क्योंकि वर्णों के गुरु ब्राह्मण है, ऐसा लोग कहते हैं वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। आपको गुरु किसने बना दिया? गुरु नहीं, पिता किसने बना दिया? अरे पिता को बनाते हैं, पिता हमें बनाता है, पिता पिता है, तो जो हमें जन्म देता है वो पिता, तो जो हमें एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में निखारने का काम करता है वो गुरु, और ये सारी अधिकार क्या अधिकार इस ब्राह्मण पर थे, कारके ये अधिकार सूत्र है। अब जो सूत्र हम आगे बोलेंगे उनकी गतिविधि कारकों तक ही सीमित रहेगी, कारक के बाहर इधर उधर नहीं जाएगी, और हम अगर पाणिनि के अधिकार सूत्रों को नहीं समझ तो पाणिनि जब अपने सूत्रों तक में अधिकार लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि हमारे जीवन में अधिकार काटते हैं। जिसको ये समाज का अधिकार दिया गया है ब्राह्मण, इसका मतलब सारा उत्तरदायित्व बनाने बिगाड़ने का तेरा, उत्तरदायित्व का एक दूसरा अर्थ है अधिकार, हम अधिकार का प्रतित्व मानते हैं, स्वामित्व मानते हैं। इन सब चीजों को कौन देखेगा जब तक, और मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारा अध्यापक बंधु सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको ईश्वर ने सहज रूप से अनुग्रह करके यह अवसर दे दिया है कि तू इस समाज को बना, तो उस मनुस्मृति को हमने यहां से छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने वो ब्राह्मणत्व को इस रूप में नहीं लिया कि मेरे स्पर्श मात्र से वो पवित्र हो जाए, बल्कि हमने इतने कमजोर में लिया कि उसको हम छोड़ में भ्रष्ट हो गया। फिर आपकी सारी गायत्री की प्रतिदिन की साधना 3 बार संध्या, ये कमजोरी बनाने के लिए बना, या आपको इतना बलवान बनाने आप जिस छुएंगे पवित्र हो जाएगा, तो ये गलत व्याख्याएं अपने चल रही हैं। उन गलत व्याख्याओं को हम दावे के साथ ठीक करें, यह अपना दायित्व है, और अपना दायित्व क्या है वो आपने कहावत सुनी कि किसी जगह कोई आकर खटखटाता है और सब कोई नहीं बोलते, पर एक आदमी थोड़ा कुछ ठीक था उससे नहीं लागा, क्या भाई यहाँ कोई नहीं है, प्यार कोई नहीं, कोई नहीं, पर जो बोलना हो तो बोलते, तो हम कहेंगे अधिकार उसको है जो जरूरत बोले कि है कोई बोला तो है वो वाकई सोए हैं देखे में कि जो बोलने वाला उसको तो है तू करिए काम। तो हम जब बैठ कर विवेचन करते हैं तो हम सोचें कि हमारा विवेचन अधूरा है या हमारा विवेचन परिपूर्ण है, शास्त्रीय दृष्टि से सारे बिंदुओं को देख करके हम बात कर रहे हैं या किसी एक देशी को पकड़ कर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ओझा जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, क्या है, सर्वम जगत ब्राह्मण नैव वर्तते, कितना स्पष्ट एकदम, सारा संसार ब्राह्मण है। ये अंतरराष्ट्रीय जब संस्कृति की बात हम करते हैं तो कहता हूँ जैसे हम ओझा जी की भाषा में कह रहे हैं सर्वम जगत ब्राह्मण नैव वर्तते, इस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को जगाने का काम आप लोगों का ना, क्यों यहां ब्राह्मण ज्यादा है, और मनु इस बात से नानी करते हैं, मनुष्य एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न है, शनकेस्तु क्रियालोपात इमा क्षत्रिय जाते वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणा दर्शनी न चो, ये भयंकर छे चक्रवर्ती सम्राट ये सब कैसे वृषल हो गए, क्यों हो गए कि इन्होंने ब्राह्मणों के साथ अपने संबंध को छोड़ दिया, ब्राह्मणा नाम अदर्शना, वृषल किस अर्थ थे, ऋषिल किसको बोलते हैं, ऋषिल शूद्र को बोलते हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम तो बिना सोचे समझे किसी शब्द का कुछ भी व्यक्त करते हैं, ऋषिल शूद्र हो ही नहीं सकता, ऋषिल शूद्र नहीं है, क्यों, शूद्र अपना काम आराम से कर रहा है, ऋषिल शब्द का वास्तव करते धर्म भ्रष्ट, क्या नाम है, धर्म भ्रष्ट, और यह अर्थ आज से 5000 वर्ष पहले और महाभारत युद्ध के पहले वर्तमान महर्षि यास्क
अपने नृत्य में कह रहे हैं वृषला वृषाशील और वृषशील। वृषल वो है जिसका स्वभाव ही धर्ममय बन गया हो, वृषल वो है जिसने इस वृष के ऊपर लात मार दी, वृषल क्या है कोई से लेना देने नहीं मेरा, वो वृषल। इसका मतलब वृषल शब्द का अर्थ है जो अपने धर्म से नष्ट हो। तो सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ वृषल अगर कोई अपनी स्टेशन ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय क्योंकि उसका दूसरे नंबर पर रहा, इसके बाद वैश्य और इसके बाद खुद चौथा शूद्र वृषल। अब इसे को वृषल कहेंगे क्यों, शूद्र तो अधिकार से नहीं। अब छोटे छोटे शब्दों के इन अर्थों को जो आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि व्यास के शुद्ध करने और वृद्धि हमारे पाठ्यक्रम में है निर्द, हम नहीं जानते। और ये जो है शायद चीजें वेद से वही चल रहा है, और इस चीज को हम जाने तो कितनी बड़ी बात होगी कि हम वृषल शब्द का प्रयोग करना बंद करते हैं शुद्ध के लिए कम से कम नहीं हुई। तो ऐसी त्रुटियां हमारे समाज में, चलिए तो सामान्य बात है कम पूरे शास्त्र ज्ञान की शक्ति है, पर बिना शास्त्र ज्ञान के जो बात हमें देखनी है आप रामायण के पात्र हो लीजिए, मानव मनुष्य नाम से राम आदि लिए गए, हरि नाम से सारे वानर लिए गए, तो ये मनुष्य हरि और तीसरे नाम देव, इन तीन का सीधा संबंध है देव का। उनमें आप सोचेंगे कि किस प्रकार से हमने इस हरि को वानर बना दिया, हरि माने मनुष्य। अगर और कोई कहे न कहे पर भगवान व्यास का जो निघंटु है उसमें मनुष्य के जो 25 नाम गिनाए गए हैं उसमें एक नाम है हरि। क्या नाम है? हरि। और भगवान वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में बालकांड के 7वें सर्ग में ही ये ब्रह्मा के द्वारा देवताओं को दिए हुए निर्देश आदेश की भाषा को व्यक्त करते कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा देवताओं से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देवों से कि देखो ये जो विष्णु है इन्होंने स्वीकार कर लिया है ये धरती पर जाकर के काम करेंगे, पर तुम भी तो उनके सहायता के लिए जाओ। तो वहां पर स्पष्ट कहा है कि तुम्हें उसकी सहायता के लिए हरय क्या करना पड़ेगा, हरय हरि। अब हरि कितने प्रकार के, मतलब मनुष्य के आवास निवास काम काज इन सबको देख करके एक मनुष्य के सैकड़ों वर्ग है, उसमें एक वानर भी है। वानर हम सबको होना है, आजकल अपन छोड़ गए आश्रम व्यवस्था, नहीं तो 25 वर्ष के बाद में 26वें में जैसे गृहस्थ आया 25 वर्ष पूरे हो गए और जैसे 51वें में आए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वानर एक अर्थ है, क्या एक अर्थ वानप्रस्थ और वानर कभी ध्यान दिया आपने, एक अर्थ क्यों है, वानप्रस्थ प्रस्थ है इकाई का नाम नाप की, जैसे आजकल किलो बोल देते हैं अपने कुछ समय पहले सिर बोलते थे, तो प्रश्न का मतलब एक सिर, और वान का मतलब है वन से प्राप्त वस्तु में। अब मेरे जीवन के इस शरीर को चलाने के लिए केवल मैं अपने आप को यहां तक सीमित करूंगा, इसकी केवल साधना के लिए जीवन के 25 वर्ष दिए। वाने रमते इति वान रहो, इस वान में जो खुश है प्रसन्न है सारे ऐश्वर्य को लात मार के दूर कर देता है उसका नाम है वानर। पर हमारे तो वानर का अपभ्रंश बंदर की दृष्टि में आता है, यानी अपभ्रंश को हमने मुख्य मान लिया, अब इस वानर को भी हम भूल गए और ऋक्ष नाम आ गया और ऋक्ष बना दिया उसको। वाल्मीकि रामायण में ऋक्ष शब्द का अर्थ वानर है, केवल ऋक्ष एक बार भी नहीं आया। उनकी पत्नियों के नाम तो वानरी नहीं लिखा हुआ कहीं, और राम के सामने दरबार में बैठे, इसका मतलब भालुओं की संख्या कम थी और ऋषियों की संख्या है वानरों की संख्या ज्यादा थी, और परंतु तुलसीदास ने खूब बराबर कर दिया सबको, गर्जे बंदर भालू अनुपा जिनकी कोई जोर नहीं है ऐसे देवजोर बंदर भालू खूब उस युद्ध के अंदर गर्जना कर रहे थे।
तो आप सोचिए कि इन लोगों को अपन क्या कहें। रामायण में आज तक कभी वानर और रीछ नहीं आए हैं, आए हैं तो सब मनुष्य आए। आप हनुमान जी को मनुष्य मान लेंगे तो भगवान के अवतार है, क्या है अवतार है, पर ये और वानर कौन है, और वानर कौन है, वो कहीं और जगह से आ गए। कभी सोचा मैं क्यों, पर ये जो अवतारवाद को हम लोगों ने गलत तरीके से जो ले लिया है उसका कहते अच्छा, तो आप पूछो जाम्बुआन किस अवतार है। इन सारे देवताओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाले संपूर्ण व्यवस्थाओं को जन्म देने वाले ब्रह्मा का पुत्र जाम्बुआन, क्या है ब्रह्मा का पुत्र। अब देखिए आप वाल्मीकि रामायण कितने स्पष्ट शब्दों में प्रारंभ ही बोलते हैं कि मैं आप लोगों को केवल कह नहीं रहा हूं भैया, मैंने पहले राम के काम के लिए तैयारी कर ली, पूर्व मेव माया सृष्टो जाम्बवान वृक्ष पुंगव, कितना वाल्मीकि स्पष्ट कह गया वृक्ष पुंगव वृक्षम श्रेष्ठ जाम्बवान नाम आ गया पूर्व मेव है, आज से बहुत पहले माया सृष्ट हो तो मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं ठीक इसी प्रकार से तुम वानरियों में किन्नरियों में यक्षों में गंधर्व सारी स्त्रियों नाम देते सब में जाकर के हरि पुत्रों को पैदा करो। अब इसको आप पकड़ के चलेंगे तो न कोई बंदर है वहां पर न कोई रीच है, और हमने उस वानर के भी दो टुकड़े अलग कर दिए, वो अलग वो अलग। अब यह हमारी श्रद्धा को बता रहा है, यह हमारे ज्ञान को बता रहा है, और इसका पालन करने वाले लोग कहाँ तक विद्वान रहे। वाल्मीकि के बाद अगर हम राम के चरित्र को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में भी पाते हैं तो कालिदास के रघुवंश में पाते हैं, किसमें रघुवंश, और रघुवंश 11 से लेकर 1500 तक के सर्ग जो हैं विशुद्ध वाल्मीकि के अनुवाद। अब रघुवंश को आप ध्यान से पढ़ जाइए, कालिदास ने एक बार भी वृक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, भल्लूक का वृक्ष कथ किया क्योंकि वृक्ष है पर भल्लूक नहीं है, तो इसका मतलब वृक्ष के दौर थे, वानरों में भी आप वर्ग मान लीजिए और भल्लूक में भी वर्ग मान लीजिए, पर कालिदास उसको वृक्ष को केवल वानर ही मानता है भल्लूक नहीं मानता है। और इसी संस्कृत जगत में 10वीं 11वीं शताब्दी में और राघव पांडवीयम नाम का एक काव्य जो है बनाया किसने, जो आगे पीछे पढ़ो तो भी ठीक, और एक ही श्लोक राघव के पक्ष में भी है और पांडव के पक्ष में भी है। इसमें पहली बार मैंने देखा कि जहां भल्लूक शब्द का प्रयोग हुआ, और आज तो है कि रामायण के आधार पर काव्य लिखने वाले लोग और डंके की चोट इसको भालू बताने वाले लोग अकादमी में पुरस्कार करने के लिए ग्रंथ को भेज देते हैं। हम सोए हैं या जगे हैं, आप सोचिए वानर वाल, तो ये वाल्मीकि ने इनका परिचय भी आगे दिया, और आपको मालूम किसने किसका परिचय दिया, भगवान राम जब पहली बार रिश्ते देखते हैं गरुड़ से, ऐसी क्या नाम ये जो है संपादक छोटा भाई जटायु, हाँ जटायु, तो जटायु से मिलते हैं आप कौन है आपका मुझे कुल का परिचय दीजिए, अगर जटायु जानवर होता तो राम उसे कुल का परिचय मांगते, तो उसने कहा ठीक है मैं बताऊँ आपको शुरू से बताऊँ, राम ने कहा विस्तार से बताओ, तो वहाँ से शुरू करता कश्यप के संतानों से, महर्षि कश्यप, कश्यप कौन है ब्रह्मा के पौत्र, ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र मारीच कौन कश्यप, रामायण में मरीच भी एक कौन है राक्षस। अब देखिए अगर वो हमसे भिन्न होता वर्ग का तो उसका नाम मरीचि नहीं होता, क्या नाम उसका, क्योंकि मरीच गोत्र जिसका हो या मरीच पिता जिसका हो वो तो मरीच बनेगा, अब सोचिए करते खैर, तो वो कहते हैं इस प्रकार उस जो है कश्यप ब्रह्मा के जो पौत्र हैं उनके 13 पत्नियां, कितने 13, उनमें जो विनता है उनसे मेरा जन्म हुआ, गरुड़ का भाई हो गया एक तरह, गरुड़ विनता नंदन कहलाते हैं। अब गरुड़ सारे शास्त्रों का ज्ञाता है और हमारे एक एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सर्वशास्त्रमय गरुड़ को मैं प्रणाम करता हूं, अब वो पक्षी
या गरुड़ फिर क्या लिया जाए। चलिए यहाँ तो आप मान लीजिए छूट दे गए, मतलब आज के दिन बात करा अपने जैन बंधुओं में सांड, क्यों मनुष्य है या सांड है वो, पर सांड तो है ना, शेर सिंह ये सरनेम होते नहीं होते। तो हम कभी तो सोचे चीज ले सकते, फिर से हम माइथोलॉजी में ले जा और बंदर ही यहाँ पर काम कर, भगवान राम इतने पागल हैं जो लक्ष्मण से कह रहे इससे तो देख इसके देख कितना बड़ा भारी विद्वान है जिसने वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन नहीं किया, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकता। भगवान के शब्द हैं स्वयं के, नानृग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण ना साम वेद विदुष शक्यमेव प्रभाषित। जिस व्यक्ति ने विशुद्ध रूप से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन नहीं किया वो किसी भी स्थिति में ऐसा बोल ही नहीं सकता। फिर भी उनको मान लो आपको शंका हो तो राम की बारी आपका व्याकरण का नाम ले लेते हैं, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम। निश्चित ही इस व्यक्ति ने अनेक बार व्याकरण का गंभीर अध्ययन किया, क्योंकि बहु व्याहरता न किंचित अपशब्दितम, इतनी देर से खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं एक भी तो गलत शब्द इसके मुंह से नहीं निकला। अब राम जिसकी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो मनुष्य है या बंदर है, और वो वानर ही है तो वानर, पर बंदर या मनुष्य आप आगे सोचिए। ये तो बात हो गई समाप्त। जाम्बवान की बेटी से कृष्ण का विवाह था, जिसको हम जाम्बवती नाम देते हैं, क्या देते हैं, और जाम्बवती का विवाह क्यों हुआ कृष्ण से, क्यों हुआ, टिप्पणी के वक्त फिर लड़की क्यों दी उसको, उन्होंने वरदान मांगा था भगवान राम से, नहीं बेटा गड़बड़ देख वो युद्ध हुआ, और तो युद्ध हुआ ना, युद्ध क्यों हुआ कि कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया कि इन्होंने सत्यजीत मणि ले लिया, कृष्ण इस कलंक कैसे सहन करते, वो ढूंढने निकले तो उन्हें पता चला कि जो है प्रसेन जो उसका भाई है उसको किसी शेर ने मार डाला। चलो पदचिन्ह करते करते कृष्ण उस एक गुफा तक पहुंच जाते जहां जाकर समाप्त हो रहे हैं, तो अंदर देखते हैं जाम्बवान मौजूद है और उसके भी बच्चे बच्ची पत्नी परिवार, तो एक उसके परिवार के दासी पालने में उस बच्चे को झुला रही है और क्या कह रही है, छुरी झुला भी क्या कहती है कि वे हैं बालों पर रो मत, क्यों ये शमंतक मणि थे, ये तो खेल इससे ये शमंतक मणि भी है नाम उसका मणि का मालूम, जिसकी मणि है उसको मार के आग लाया भी है कोई यही मालूम है, किसी का अधिकार नहीं दिया अपने मत। तो कृष्ण देखा यही है, चलो अंदर घुसे तो कौन इधर जामवान था गया, बस तो फिर जामवान का कृष्ण का युद्ध हो गया। अब युद्ध भी दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हो रहा और कई दिन तक चलता रहा, अंत तो एक बार जामवान ने देखा कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वही मेरा आराध्य राम ही है। तो उसने कहा कि मैंने आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए और उस पाप का प्रायश्चित है कि आप मेरी लड़की से विवाह कर दीजिए। देखिए पाप का प्रायश्चित बोला क्यों बोल रहा, और जाम्बवान के लिए आप देखें उसकी पुत्री जाम्बवती के लिए देखें तो वो उस समय विश्व की एक जबरदस्त सुंदरी में गिनी जाती थी, तो इसलिए वो ये कह रहा कि मेरा पाप नहीं मैंने जो अपराध किया है इससे मैं तो इसके परिमार्जन के लिए इस विश्व सुंदरी को आप अपनाए, और कृष्ण बिना किसी बाधा के उसको ले जाते। अब बताइए जाम्बवान का रीच और उसकी बेटी है जो कृष्ण की पत्नी, हम कैसे मान लें कि हम लोग अपने शास्त्रों को सही ढंग से देखते हैं सही ढंग से हैं। और आश्चर्य मुझे तो पता है, देखिए कि आज भी वो भी खुशियाँ चल रही हैं यहाँ पर, उस वक्त जब जा रहा था तो अखबार में पढ़ा था कि रसिक भाई के लिए क्या कोई ऐसा नाम है, रसिक भाई जोशी कोई है, वो यहाँ आए और भागवत की कथा राम प्रकाश टाकीज है उसके उधर पीछे का जो मैदान है वहाँ जमा था। अब मैंने कहा जो व्यक्ति इस कथा की समाप्ति के बाद ये कहते हैं
कि अगर आपको अपना काला धन सफेद बनवाना हो तो आप निर्भर रहेंगे। क्या सुंदर बात, और हम भागवत की कथाओं से कर पा रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम कृष्ण के जीवन से कुछ भी सीखते हैं तो कितना अच्छा होता, कितना श्रेष्ठ होता। पर ये जो अंधश्रद्धा कभी कभी कहाँ ले जाती है, तो हमारे क्या विद्वान भक्ति का ये अर्थ समझते हैं कि हम बिल्कुल अंधे हैं। भक्ति से श्रेष्ठ दूसरा कोई काम नहीं है, और उस भक्ति को हम अपनी सीमाओं के बाहर ले जा रहे हैं और इस प्रकार के अनर्थ हमारे जो पनप रहे हैं और अपने शास्त्र को हम विकृत कर रहे हैं। तो हम जिस अंतरराष्ट्रीय जगत में इस वैदिक संस्कृति को देना चाह रहे हैं, क्या वो हमारे से संभव होगा इस प्रकार से? जब तक कि हम इन अर्थों को उन लोगों के सामने इसी प्रकार से व्यक्त न कर सकें, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय वेद व्याख्यान की दृष्टि से हम सोचते हैं कि इन विषयों को हम अपने इस नए ढंग से देखें, क्योंकि ये मनु परिसमाप्त हुई और मनु से प्रारंभ थी। उस मनु को अगर हमने पाठ्यक्रम से निकाल दिया, उस धर्मशास्त्र को हमने पहला धर्मशास्त्र नहीं माना है और हम अपनी व्याख्या कर रहे हैं। एक दूसरा ग्रंथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, आप लोगों ने सबने एक ग्रंथ का नाम पढ़ा होगा, धर्मशास्त्र का इतिहास, पीली कहानी। उसके अंग्रेजी में मूल ग्रंथ के 8 भाग हैं और उस 8 भाग पर अनुग्रह किसी ने किया है, हमारी यूपी की ये अकादमी ने, कि हिंदी में अनुवाद कर दिया डॉक्टर अर्जुन चौबे काश्यप। पाठ मोटे मोटे 5 भाग है। वो व्यक्ति इस मनु को कौन काणे ईशा से 100 वर्ष पहले 180 क्या है, ईशा से 180 से 200 वर्षों के बीच में काणे मनु को इसको मानते हैं स्वयं, और सारा इतिहास इसको मत्स्य से दौड़ा रहा है। अब हम कैसे कहें कि ये व्यक्ति स्वयं मनु है या कोई और? तो ये जब ऐसी चीज प्रश्न आए तो हम सोचें कि ये जो स्वयं मनु, आगे जो सारे चाक्षुष आदि मनु आए, सातवां जो वैवस्वत मनु है, इनको भी माइथोलॉजी कहकर खत्म कर दें तो वेद कल बने, और अगर इनमें कहीं कोई सार है तो आज वेद को ईशा से 4,000 वर्ष पहले ले जाना, 5,000 वर्ष पहले बना, या चाहे 18,000-20,000 वर्ष पहले ले जाना, क्या हमारी भयंकर त्रुटि है? तो 20,000-18,000 की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रस्तुत ही नहीं कर सकते वो है। पर कम से कम 5,000-7,000 वर्ष पहले वक्त हम आराम से कर लें, क्योंकि राम जब 4 वेदों की आता है और महाभारत के पहले के लिखती है, कृष्ण 4.5 वेदों के आते हैं, महाभारत काल है, कृष्ण को अगर हम 5,100 वर्ष मान लें तो उसके पहले भी राम को माने तो कम से कम 7,000 वर्ष तो हो ही गया। ये सबको भूल करके हम दिन रात इन्हीं कामों में लगे रहते हैं और उस ग्रंथ की आलोचना करते हैं जिस जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा, जिसको ना हमने रामायण देखी, न महाभारत देखी, न वेद देखे, और बड़े अधिकार के साथ देखे। ये अधिकार है या अनधिकार? तो इस अनधिकार चेष्टा को हम आत्मनिरीक्षण के तहत दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। आत्मनिरीक्षण से देखें और फिर इस कार्यक्रम को लें तो हम इस मनु की सहायता से वेद को देखने का अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं। अन्यथा मनु और वेद को अलग अलग मानना, क्योंकि मनु ने एक ही बात कही है, केवल धर्म ज्ञान के लिए मनु सुनती है और सारी मनुष्य ने कहीं पूजा पाठ पद देते कभी पूछे, अब वो कौन सा धर्म है आप सोचिए, और उसी धर्म से सारे धर्म से उसको पुष्टि लगा दी कृष्ण ने गीता पर, ये लगा ना, स्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मनुष्य असली सिद्धि मुक्ति उसको तभी प्राप्त करेगा जब तम उस परमात्म शक्ति को स्व कर्मणा अपने कर्म की पूजा के द्वारा संतुष्ट करेगा। हम कर्म भूल करके और सब कुछ ही प्रयत्न सारे कर रहे हैं और तभी ये जाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो एक चातुर्वर्ण्यम, आप संस्कृत में बैठे चतुर्वर्णानाम समाहार है, चातुर चारों मिलजुल कर एक घोर कर एक हो गए, कौन सा है ये जहाँ कोई भेद नहीं है उसको हमारे चातुर्वर्ण पर या समाज का दूसरा पर्यावरण शब्द। तो ये सारे राम कृष्ण आदि इसी चातुर्वर्ण की सुरक्षा के लिए पैदा हुए थे। अब उसको हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, किन किन चीज़ों में जा रहे हैं, ये जब तक अपन आत्मनिरीक्षण के द्वारा स्वयं नहीं सोचेंगे और इनके एक एक काम को जब तक वेद के साथ न जोड़ेंगे, तब तक वैदिक संस्कृति को लेकर के उसकी
विदेशों में चर्चा फैलाएं और इस प्रकार के काम के लिए जो निकले हुए हैं उनके काम हम सरल कर सकें, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि मेरा यही है कि आप कृपया थोड़ा सा अपना समय, पवित्र समय, बहुमूल्य समय इसके लिए देने कल्पना कीजिए, चेष्टा कीजिए और कल्पना को संकल्प के रूप में बदल दें तो बहुत ही कृपा होगी, ताकि हम इस काम को व्यवस्थापूर्वक बड़े अच्छे ढंग से कर सकें कि भारत धर्म, धर्म भारत, भारत भारत वेद, वेद भारत, ये जन जन तक अपन लोगों के बीच में संदेश पहुंचा सके। आप सबको मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने बड़े प्यार से मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे सेवा करने का। बोलिए कुशन, क्यों देर हो रही तो नहीं नहीं भैया मैं तो ये बार-बार चप्पल पहन रहा हूँ। हाँ गुरु जी, आपके व्याख्यान के दौरान आप मनु और मन में आंग्ल भाषा के शब्द को जिस भाव से ले रहे थे उसी भाव से मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम संस्कृत के मनोह शब्द को उच्चारण करते हैं बार बार तो मनोह मनोह होते होते वो ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन बन जाता है, ह्यूमन ही ना। हाँ ह्यूमन बन जाता है। हाँ मैं पूरी शब्द को बार बार बोल रहा हूँ, आपका पर्सन क्या है जी, तो आपके जो होते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अपन आप बोलते हैं प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, तो पर्सन कहाँ से क्या। फिर आप कभी सोचेंगे आगे तो और शब्द ऐसे आपको मिलेंगे कि जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बता रहे हैं कि इन लोगों की भाषाएं कभी कभी हमारी देन थी, आज हजारों वर्षों की दूरी से इतना सा परिवर्तन थोड़ा सा है, और फिर भी कुछ डिक्शनरिया ऐसे हैं जो इसका धीरे धीरे यत्न कर रहे हैं। जैसे वेस्टर्न इंग्लिश डिक्शनरी वो मैंने 60 में पढ़ी थी, अब वो मुझे कई वर्षों को ढूंढ, आज सुबह मैंने अपने बच्चे से कहा तो देख कहीं ढूंढ, उन्हें सारे ठेल दिए कि तुमने, अब मुझे ध्यान आया था कि कल डीलवाना में मैंने पढ़ी थी, सुन तो किसी मित्र को कहकर प्राप्त करूंगा, उसने यही काम किया, अंग्रेजी के नए शब्द को लिया एक इन टू ये करके ग्रीक लैटिन आदि सारी भाषाओं में लेने के बाद में अंत में नाम दिया संस्कृत, और देखिए उसने निकला नहीं कहा पर इसके सदृश, और सबके बाद में संस्कृत लेने मतलब क्या निकला कि संस्कृत से यात्रा करते करते इतनी इतनी भाषाओं देशों में इस रूप को लेते हुए ये हमारे अंग्रेजी में आ गया। अगर इस भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को देखें तो कितनी सुंदर चीज है, आप देखिए जी। तो संघ की एक प्रशिक्षण में हम जामनोली गया था, उस समय में एक पुस्तक ऐसी देखी जिसमें संस्कृत की पांचवी सुता के रूप में, पुत्री के रूप में आंग्ल भाषा को स्वीकार किया और अच्छी तरह व्याख्या की, अनेक शब्दों की व्याख्या की। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि जैसे आप अपने व्याख्यान में भी बोले हैं विश्वम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तो संसार को हम श्रेष्ठ करते हुए रहे या कुछ ऐसा भाव होगा उस मंत्र का, तो इससे मुझे मतलब एक श्रद्धा होती है अपनी भारतीय संस्कृति और विशेषता है वैदिक संस्कृति के प्रति, उस श्रद्धा से मेरे को मन में एक जागृति आती है कि आप जैसे महर्षि और मनीषी आज विद्यमान हैं और ओझा जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके चरणों में श्रद्धा के साथ में मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाषाएं आपस में जैसे इस मानव शरीर में एक दूसरा तारतम्य है, ऐसे विश्व में भाषाओं का भी जैसे भाषाओं का एक परिवार है, तो ये संस्कृत सभी परिवारों की जननी मानी जाए, और जो भाषा शास्त्रियों ने अध्ययन किया उसमें इस संस्कृति शब्द के ऊपर भी, वैदिक शब्द के ऊपर भी यदि चिंतन किया जाए तो जब आप डिक्शनरी में देखेंगे वैदिक का वैदिक शब्द लिखे हुए मिलता है VEDIC, और संस्कृति जब संस्कृति शब्द पर व्याकरण से अथवा वैदिक परंपरा से अध्ययन करते हैं तो सम्यक और भूषणीभूत और संघी भाव को लेकर के, चूंकि संपरिभ्यां करोतो भूषण एक सूत्र है, उस सूत्र में भूषण अर्थ में और संगठन के अर्थ में संघी भवती या संस्कारो संस्कृति का जब अर्थ लिखा गया है कौमुदी में,
तो वहां संघी भवती अर्थ होता है, तो संगठित रहना। संभवतः संस्कृत भाषा, विशेषतः वैदिक संस्कृत भाषा, या जो संस्कृत में वैदिक में भेद ही नहीं है, तो वह संपूर्ण विश्व की भाषाओं को साथ में लेकर के चली हुई रही होगी। भाषाओं का परस्पर मैत्री भाव, मनु का एक श्लोक याद कर लीजिए जी, मत भूलिए क्या एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेयं पृथिव्याः सर्वमानवाः। एतत् देश प्रसूतस्य अग्र जन्मन सकाशात् पृथिव्याः सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेयं। ये मनु कहना चाह रहा, तो हम साथ मिलने के लिए की बात कर रहे हैं, आप मेरे से दूर हैं इसलिए मैं आपको साथ देने के लिए बात कर रहा हूँ, या आप हम एक ही हैं इसलिए हम मिलकर एक बात कर रहे हैं। तो आज अंग्रेज भारत में आए, देखिए उस वक्त की बात बताऊँ, तो हमारे घर के सभी लोग अंग्रेजी जानते थे, पढ़ते थे, नौकरी करते थे, पर उनमें अंग्रेजियत नहीं थी। और आज हमारे पोते वगैरह के बीच में अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजियत, इसको कौन दूर करेगा? हम लोग दूर करेंगे। हाँ? नाम के शब्द की दृष्टि से भी अंगानी रंजयती ते अंग्रेजी कहें गलत, अथवा क्योंकि इसका नाम अंग्रेजी है क्या, अथवा यही मैं कहना चाह रहा हूँ, हम इस उत्साह में न बढ़े कि जरा सी समता मिल गई और हम आगे बढ़ गए, क्योंकि इन शब्दों को देने वाला आप उन शब्दों को लीजिए। आपके एक शब्द है संस्कृत में धातु है पुत्र, क्या है पुत्र, रक्षणीय है, किसी चीज को रखना रक्षण कार्य रखना होता है, तो आप संपुट भी देते हैं, पुटी भी दे, पुरी बांधते हैं, तो पुरी बांध देना पुट शब्द का स्त्रीलिंग पुटी शब्द है, पुटी का पुरी है, और इस पुट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रखना ही बोलते हैं, परंतु अंग्रेजी में पीयूटी पुट का उच्चारण क्या हुआ, पुटी है ना, पर किसी के साथ दूसरे संदर्भ में कट, क्या कट, कटना काटना, अब अंग्रेजी क्या कह रहे हैं, सीयूटी पीयूटी सीयूटी, तो पीयूटी में हम यू को यू ही क्यों बोलेंगे और सीयूटी में कट पर क्यों आ जाएंगे, क्योंकि आपके संस्कृत का पुट और संस्कृत का कट दोनों के सामने है, अन्यथा अंग्रेजी में जो वेरिएंट्स इस प्रकार के उच्चारण के आ रहे हैं उन सब की व्याख्या अंग्रेजी की संस्कृति करती है, वो कर सकेगी। तो अब ये आपको तो भाई जब आप वहां गए हैं वर्षों तक कोई शंकर स्तु क्रिया लोपात इमाम क्षत्रिय जाते हैं, आज आप देखें बढ़ गए, आप मुझे जस्ट जयपुर पढ़ता हूँ बहुत बुरा लगता है मुझे, ये इसी तरह से भी कुछ नाम रखा है भास्कर वगैरह का, ये क्यों, हम उस वक्त हमारे ऐसे नाम थे, पर हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी अंग्रेजी है, अच्छे योग्य विद्वान थे, नेहरू जैसे लोग, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग अंग्रेजी में साहित्य तैयार, और लोगों ने उसे पूजा की, पर उनके घर में अंग्रेजी नहीं थी, ये अंतर। आप वापस संस्कृत को आइए, संस्कृत देखिए, संस्कृत बहुत मजा आइए, संस्कृत काम में ठीक।